हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनबीसीसी शेयर के ऊपर। आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से देखिएगा, तभी आपको सभी लेवल्स जो है बिल्कुल क्लियर हो पाएंगे। और अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन पर क्लिक करके ऑल को भी सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इसके साथ ही अगर अभी तक आप लोगों ने अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करवाया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उस लिंक के थ्रू जाके अपना डीमैट अकाउंट जीरोदा या फिर अपस्टॉक्स में ओपन करवा सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं एनबीसीसी शेयर के ऊपर। स्टॉक में आज हम लोगों को तकरीबन 2.5% का गिरावट देखने को मिला। स्टॉक ऊपर जरूर ओपन हुआ था, बट उसके बाद से एक अच्छा सेलिंग प्रेशर इस स्टॉक में हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग इस स्टॉक के लास्ट वन मंथ के परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो स्टॉक ने वन मंथ में एक अच्छा रिटर्न बना के दिया है। 24% का पॉजिटिव रिटर्न जो है इस स्टॉक ने यहाँ पे आपको लास्ट के वन मंथ में बना के दिया है। और लास्ट वन ईयर की बात करेंगे तो स्टॉक अभी भी वन ईयर के बेसिस पे जो है एक निगेटिव रिटर्न ही यहाँ पे हम लोगों को दिया है। तो चलिए अब आगे बात करते हैं, आगे कौन कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है। तो चार्ट के ऊपर अगर यहाँ पे देखेंगे तो एक जो इम्पोर्टेंट लेवल है, जो कि इससे पहले भी हम लोगों ने बात किया था, 42 रुपीज का लेवल है। अगर स्टॉक यहाँ पे 42 रुपीज के लेवल के ऊपर क्लोज कर देता है, क्योंकि अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो 42 ये एक अच्छा कंजेशन जोन है, जहाँ पे कि स्टॉक काफी टाइम सपोर्ट और रेसिस्टेंस ले रहा है। तो एक बार के लिए अगर यहाँ पे 42 के लेवल के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है तो फिर इस स्टॉक में जो है हम लोगों का इमीडिएट जो टारगेट होगा वो हम लोगों का यहाँ पे आपको 52-53 रुपीज का टारगेट जो है वो आपको इमीडिएट टारगेट होगा। और इस लेवल के ऊपर अगर निकलता है तो फिर हम लोगों को यहाँ पे 59-60 रुपीज का लेवल भी देखने को मिल सकता है। अब अगर स्टॉक को हम लोग बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर बात करेंगे, वीकली चार्ट के ऊपर अगर इस स्टॉक के ऊपर बात करेंगे तो इस वीक में एक अच्छा मोमेंटम जरूर देखने को मिल रहा है, बट आज के सेशन में जो एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, इसी वजह से हम लोगों को यहाँ पे अपर वीक रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। अगर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक यहाँ पे 42 रुपीज के लेवल के ऊपर क्लोज दे देता है तो फिर आपको वीकली बेसिस पे भी ये एक अच्छा ब्रेकआउट होगा, जैसा कि हम लोगों ने डेली बेसिस पे डिस्कशन किया। तो इसी वजह से अगर इस लेवल के ऊपर हम लोग यहाँ पे एंट्री लेते हैं तो फिर हम लोगों को एक अच्छा क्विक मोमेंटम अपसाइड में देखने को मिल सकता है। अब अगर बात करें हम लोग मंथली चार्ट के ऊपर तो मंथली चार्ट के बेसिस पे हम लोगों को एक अच्छा पैटर्न का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। अगर ये पैटर्न कंप्लीट हो जाता है तो फिर इस स्टॉक में एक बड़ा हम लोगों को मोमेंटम देखने को मिलेगा। क्लियरली अगर देखेंगे तो स्टॉक जो है एक अच्छा फॉल किया, फॉल करने के बाद फर्स्ट टाइम यहाँ पे आपको बायर्स आए, अगेन सेलर्स डोमिनेट करने की जरूर कोशिश किया बट यहाँ पे डोमिनेट कर नहीं पाए। और वापस से अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो है बायर्स ने अपना मोमेंटम कैरी करना स्टार्ट कर दिया है। बायर्स यहाँ पे ऑलरेडी अगर देखेंगे तो प्रीवियस 7 मंथ के हाई के ऊपर जो है आपको ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया है। तो 7-8 मंथ का कंसोलिडेशन अगर यहाँ पे ब्रेक होगा तो डेफिनेटली स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम अपसाइड में देखने को मिल सकता है, जहाँ पे कि हम लोगों को इस स्टॉक का इमीडिएट टारगेट जो है वो आपको 55-60 रुपीज का देखने को मिल सकता है। और अगर एक बार स्टॉक यहाँ पे 60 रुपीज के लेवल के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट कर दे तो फिर इस स्टॉक में हम लोगों को वापस से एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो अगर आप लोग यहाँ पे होल्ड किए हुए हैं तो कंटिन्यू होल्ड करके रख सकते हैं, अपने स्टॉप लॉस को मेंटेन कीजिए। अभी जो यहाँ पे आपको एक यहाँ पे जो आपको एक कंसोलिडेशन जोन है 27 रुपीज का, उसके नीचे आप जो है यहाँ पे अपने स्टॉप लॉस को मेंटेन कर सकते हैं। ऊपर की साइड आपका पहला टारगेट जो है 55-60 का जोन होगा, और अगर एक बार 60 के ऊपर निकल गया तो स्टॉक में एक बड़ा मुनाफा आप लोगों को यहाँ पे बनते हुए देखने को मिल सकता है। आई होप आप लोगों को सभी लेवल्स जो है बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।